सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आज हम कवर करने वाले हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट है और नियरिंग पोजेशन प्रॉपर्टी है। जुलाई 2024 तक इसका पोजेशन आपको मिल जाएगा। लोकेशन काफ़ी अच्छा है ये स्टूडियो अपार्टमेंट का। ये है पोकरन रोड नंबर 2 पे और डेवलपर भी काफ़ी अच्छा है। नीलकंठ ग्रुप की तरफ से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। सिंगल बिल्डिंग है जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट दे रहे हैं। 67 लाख के आसपास का अप्रोक्सीमेट इसका प्राइसिंग है। तो अभी हम चलते हैं लोकेशन पे। तो हम लोग पहले लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे के लिए बिल्डिंग के आसपास, प्रोजेक्ट के आसपास क्या क्या फैसिलिटीज है। पोखरन रोड नंबर 2 है, तो जो थाने में रहते हैं और पोखरन रोड नंबर 2 के बारे में उनको जानकारी है, उनको तो पता ही होगा कि पोखरन रोड नंबर 2 एक पॉश लोकेशन है थाने का। काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। आप अगर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स अगर गिनाऊं तो वाधवा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, टाटा का प्रोजेक्ट है, दामजी श्यामजी का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट्स है जो कंपैरेटिवली जो बाकी लोकेशन है थाने में उससे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है आपको महंगे मिलेंगे। तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जो लोकेशन है ये पॉश लोकेशन है थाने का। तो दोस्तों, अगर आप हीरानंदानी में भी स्टूडियो अपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक बार आपको ये प्रोजेक्ट भी देखना चाहिए। उसके बाद दोनों को कंपेयर करके, प्राइस कंपेयर करके, लोकेशन कंपेयर करके आप डिसीजन लीजिए। ये जो लोकेशन है थाने स्टेशन, थाने सिटी से काफी नजदीक है। तो अभी हम चलते हैं साइट पे, एक्सप्लोर करेंगे लोकेशन और उसके बाद मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा और फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं साइट की तरफ। लोकेशन के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेथनी हॉस्पिटल जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे है, थाने स्टेशन काफी नजदीक है। आप देखोगे बेथनी हॉस्पिटल 600 मीटर्स पे आता है अपने साइट से। और अगर थाने स्टेशन की मैं बात करूं तो थाने स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा। सिंगानिया स्कूल आपको 2.2 किलोमीटर पे आ जाता है। ये जो सर्कल है जहाँ से हम अभी राइट लेंगे तो ये सर्कल है हीरानंदानी मेडोज का। यहाँ से हमने राइट लिया तो हम सीधे जाएंगे पोखरन रोड नंबर 2 की तरफ। वसंत विहार स्कूल 1.5 किलोमीटर्स पे है अपने साइड से। तो मार्केट्स वगैरह सारा कुछ आपको नीचे ही मिल जाएगा। 17 माले का टावर है, ऑलमोस्ट टॉप स्लैब का काम कंप्लीट होने पे आया है। आपको नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2024 तक इसका पोजीशन मिल जाएगा। और ये कम्प्लीटली डेवलप लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डेवलपमेंट आगे बाकी है। बालकनी अपार्टमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, तो आपको किचन में ड्राई बालकनी आएगा, प्लस लिविंग रूम में आपको बालकनी मिलने वाली है। तो प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। आप अगर एक छोटी सी फैमिली है या दो लोग रह रहे हैं या आपको अपने पेरेंट्स के लिए लेना है तो ये पर्टिकुलर लेआउट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आप एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट बना के जो किचन है उसको एक बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम जा रहे हैं पोखरन रोड नंबर 2 की तरफ। तो ये जो इंटरनल रोड है ये कनेक्ट करता है हीरानंदानी मेडोज से पोखरन रोड नंबर 2 को। और जैसा मैंने आगे भी बताया था, इसमें सारे जो महंगे प्रोजेक्ट्स है, टाटा हो गया, वाधवा, दामजी श्यामजी का प्रोजेक्ट है, नीलकंठ का प्रोजेक्ट है, सारे पॉश, ये सारे जो महंगे प्रोजेक्ट्स है ये पॉश लोकेशन पे है। तो क्राउड और जनरी जो यहाँ पे मिलता है वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है। अब ये जो जंक्शन है, यहाँ से अगर आप राइट लोगे तो आप यू टर्न लोगे और राइट लोगे तो आप पहुंचोगे उपवन की तरफ। अभी हम आगे जाके राइट लेंगे तो हमारा साइट आ जाएगा। लेफ्ट में आता है बेथनी हॉस्पिटल। तो ये जो रोड है इंटरनल रोड, ये कनेक्ट करता है वर्तक नगर की तरफ। अब यहां से हम राइट लेंगे तो आ जाएगा हमारा साइट। तो यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट्स है जो नीलकंठ ने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। तो गाइज, ये जो आप रोड देख रहे हो ये प्राइवेट रोड है नीलकंठ का। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो बाहर से गाड़ियां पार्क होती है वो सभी को रोक दिया जाएगा और आपको यहाँ पे मिलने वाला है काफी सारा पार्किंग स्पेस भी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ आपको कोई पार्किंग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको काफी सारा ओपन पार्किंग मिल जाएगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ साइट पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टेज, क्या स्टेज पे टावर अपना पहुंच चुका है। तो गाइज, अगर आप देखोगे ये एलिवेशन है अपने बिल्डिंग का, ऑलमोस्ट 17 माले का टावर है। तो 17 माले का स्लैब जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आया हुआ है। इसके पीछे आने वाला है क्लब हाउस जिसमें आपको बेसिक एमिनिटीज आ जाएगी, जहाँ पे आपको इंडोर प्ले एरिया, जिमनेशियम वगैरह बना के मिलने वाला है।
और सारे अपार्टमेंट्स बालकनी अपार्टमेंट्स हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं फ्लोर पे और ये है अपना स्टूडियो अपार्टमेंट। तो जैसे ही आप एंटर करते हो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे बना के दिया गया है आपको एक कबर्ड। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में काफी बड़ा कबर्ड बनाने के बाद भी इसमें स्पेस अच्छा खासा बच रहा है, एकदम भी ज्यादा क्रैम्प्ड अप नहीं है। आप देख सकते हो ये है कबर्ड जो बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह पे। तो आप देख सकते हो इसका डेप्थ कितना अच्छा है। तो काफी सारा स्टोरेज इस तरह से आप बना सकते हो। आपको तो खाली बॉक्स अपार्टमेंट ही मिलने वाला है, कोई फर्नीचर उसमें नहीं दिया जाएगा, बट ये जस्ट आपके आइडिया के लिए है कि आप कैसे उसको बना सकते हो। तो आप देखिए इसका डेप्थ देखिए और कितना सारा स्टोरेज इसमें बन जाता है। और ये है जो सामने आप विंडो ये जो देख रहे हो, स्लाइडिंग डोर है, ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग डोर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको अगर आप खींचते हो तो आपका पार्टीशन भी हो जाता है और आधा बेडरूम आप आधा जो हॉल है उसको आप बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैंने आप देखिए स्लाइडिंग डोर पूरा खींच दिया है तो पार्टीशन हो गया। तो इस तरह भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और ये है अपना बालकनी। तो आप बालकनी का साइज देखिए, ये एक एक्चुअल अपार्टमेंट है जिसको सैंपल फ्लैट बनाया है, तो ये कोई मेकशिफ्ट अपार्टमेंट नहीं है। तो बालकनी का साइज भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडिंग बालकनी दिया गया है। इसमें दो चेयर और बीच में एक सेंटर टेबल लगा के आप इजीली बैठ सकते हो। ऊपर से भी कम्प्लीटली कवर्ड है, फुल फ्रेंच विंडो के साथ आएगा। और आप देख सकते हो एक सिंगल सोफा लगाया गया है, उसके ऑपोजिट में आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। सामने है स्लाइडिंग डोर जो पार्टीशन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और सामने कबर्ड आ गया और लेफ्ट साइड में भी काफी ज्यादा स्टोरेज आ गया। और ये है आपका वॉशरूम, WC और वॉशरूम एक साथ दिया गया है और उसके आगे भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है। तो अगर इन केस आपको वॉशिंग मशीन वगैरह रखना है तो इस यूटिलिटी स्पेस में यहाँ पे आप रख सकते हो, तो इसमें वॉशिंग मशीन आपका इजीली आ जाएगा। अभी चलते हैं चेक करते हैं किचन। तो किचन आएगा एक एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ में और ऊपर देखिए आप इस तरह से स्टोरेज बना सकते हो। तो किचन को भी अगर आपने अच्छे से डिजाइन किया तो काफी सारा स्टोरेज आ जाएगा, आप देख सकते हो। फ्रिज का भी प्रोविजन, काफी बड़ा फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब बड़े से बड़ा फ्रिज भी आप यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो। ये एक ड्राई एरिया सेपरेट दिया है आपको, तो अगर आपको वॉशिंग मशीन यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हो, आप कपड़े सुखा सकते हो। और ये देखिए किस तरह से ये स्टोरेज बनाया है किचन। तो 311 का इसका यूजेबल कारपेट साइज है, काफी अच्छा लेआउट है। तो दोस्तों देखा आपने, ये था सैंपल फ्लैट का वीडियो। 311 का अप्रोक्सीमेट इसका यूजेबल कारपेट आता है और इसमें आता है बालकनी। तो आपको हॉल में भी बालकनी है, किचन में भी ड्राई बालकनी दिया गया है और ये है पोखरण रोड नंबर 2 पे। और इसका पोजीशन आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मोस्ट प्रोबली December 24 तक आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। तो गाइज अगर ये लेआउट आप देखोगे तो इसमें आप ओपन किचन कॉन्सेप्ट बना के इसको एक 1 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।